हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रमशा अशफाक और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आता है कुड हैव। कुड हैव इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट और यू हैड द एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट बट दैट यू डिडंट डू इट। कुड हैव ऐसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ पास्ट में पॉसिबल हो या आपके पास वो एबिलिटी हो कि आप वो चीज़ पास्ट में कर सकते थे बट आपने करी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दे कुड हैव स्टेड अप लेट बट दे डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। वो ज़्यादा देर तक जग सकते थे, मतलब पॉसिबिलिटी थी कि ज़्यादा देर तक जग सकते थे बट दे डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए यहाँ पे स्टेड यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, दे कुड हैव वन द रेस बट दे डिडेंट ट्राई हार्ड इनफ। वो रेस को जीत सकते थे बट दे डिडेंट ट्राई हार्ड इनफ, बट उन्होंने ज़्यादा हार्ड ट्राई नहीं किया। यहाँ पे कुड हैव के साथ वन यानी कि विन की थर्ड फॉर्म लगी है। ऑल राइट, थर्ड एग्जाम्पल, ही कुड हैव स्टडीड हार्डर बट ही वॉज टू लेजी एंड दैट्स वाई ही फेल्ड द एग्ज़ाम। वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता था बट ही वॉज टू लेज़ी, बहुत ज़्यादा लेज़ी होने की वजह से ही फेल्ड द एग्ज़ाम। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ शुड हैव। शुड हैव इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग वुड हैव बीन अ गुड डिसीजन हाउ एवर यू डिडंट डू इट। तो शुड हैव ऐसे सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है कि जो पास्ट में अच्छा हो सकता था बट हुआ नहीं, जिसके लिए आपको रिग्रेट हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट, मुझे टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी चाहिए थी। सेकेंड इज़ यू शुड हैव स्टेड एट होम, तुमको घर पे रुकना चाहिए था। सो नेक्स्ट इज़ वुड हैव। सेंटेंसेस विद वुड हैव आर द पार्ट ऑफ थर्ड कंडीशनल। दिस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल सिचुएशन इन द पास्ट। जब हम पास्ट की कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात करते हैं तो वहाँ पे वुड हैव यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसी जब कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम वुड हैव यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैड इनफ वेल्थ आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार। अगर मैं बहुत अमीर होता तो मैं कार खरीद सकता था। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ वुड हैव। बट वो अमीर है तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। सो यहाँ पर हमने इसलिए वुड हैव का इस्तेमाल किया है। ऑल राइट, एक और जगह पर आपका वुड हैव यूज़ होता है। अनदर यूज़ ऑफ वुड हैव इज़ टू डिस्कस समथिंग यू वांटेड टू डू बट यू डिडंट। तो और वुड हैव कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पर कोई चीज़ आप पास्ट में कर सकते हो बट आपने वो करी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वुड हैव डन द आर्टिकल बट आई वॉज बिज़ी। मैं इस आर्टिकल को कंप्लीट कर सकता था बट मैं बिज़ी था इसलिए नहीं कर पाया। सो यहाँ पर आपका वुड हैव डन यूज़ होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। वी डैश मूव टू ऑस्ट्रेलिया बट जज डिडंट वॉन्ट टू रिटायर। तो यहाँ पे ये एक पास्ट पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि वी मूव टू ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे बट जज डिडेंट वॉन्ट टू रिटायर, बट वो रिटायर होना नहीं चाहता था। ऑल राइट, तो जहाँ पे पास्ट में पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं कुड हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा कुड हैव, कुड हैव। वी कुड हैव मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया बट जज डिडेंट want to retire. Second is, where you were the whole day you dash call me. तो इसमें कहा जा रहा है कि तुम पूरा दिन कहाँ थे, तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी। मतलब ये एक गुड डिसीजन था कि उसको कॉल करनी चाहिए थी, ये एक रिग्रेट वाली सिचुएशन ये आ गई है। तो यहाँ पर इसलिए आपका यूज़ होगा should. Should have यूज़ होगा यहाँ पे, should have, और कॉल्ड की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, शुड हैव कॉल्ड मी। वेयर यू वर द होल डे यू शुड हैव कॉल्ड मी।
लिए यहाँ पे यूज़ होगा कुड हैव. कुड हैव एंड ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड. द वेंडर कुड हैव ओपेंड अ स्टोर इन अ सिटी बट शी डिडेंट वॉन्ट टू. नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज रीटा डैश नॉट ईट टू मच बिफोर द वेडिंग. रीटा को शादी से पहले बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, तो ये एक रिग्रेट वाली सिचुएशन अगेन आ गई. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शुड नॉट हैव. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. शुड नॉट हैव एंड ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन. रीटा शुड नॉट हैव ईटन टू मच बिफोर द वेडिंग. सो ये थी हमारे एक्सरसाइज के चार क्वेश्चंस. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. थैंक यू वेरी मच.